डिप्टी सीएम तेजस्वी ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। तेजस्वी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरजेडी कोटे के मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पाँव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तेजस्वी ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी से मेलजोल रखें। बिहार की जनता ने लालू राज को भी देखा, राबड़ी राज को भी देखा, लेकिन अब तेजस्वी यादव राज के दोबारा उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेतृत्व नीतीश कुमार का है, फर्क तो पड़ना है, असर भी होना है। मुख्यमंत्री की छवि, ईमानदारी छवि सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब एक बड़ा फरमान जारी हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से अपने सभी मंत्रियों को। फरमान क्या है हम आपको ये भी सुनाएंगे। पहला फरमान, कोई भी मंत्री अपने लिए अलग से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। विभाग में कोई भी मंत्री अपने लिए अलग से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरा फरमान, सभी लोग बड़े लोगों की इज्जत करेंगे, उनका कुशल क्षेम पूछेंगे, उनका शिष्टाचार अभिवादन के साथ उन्हें प्रणाम, आदाब और नमस्ते करेंगे। तीसरा फरमान तेजस्वी यादव के सिरे से मंत्रियों को ये जारी हुआ है कि शालीनता से वो लोगों के साथ पेश आएंगे, गरीब जरूरतमंद लोगों को वो हर संभव सहायता देंगे। उनका चौथा फरमान यह जारी हुआ है कि तेजस्वी यादव ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर आपको स्वागत के लिए अगर गुलदस्ता और पुष्प दिया जा रहा है तो उसे न लें, आप कोशिश ये करें कि उनके जगह किताब और कॉपी लें। पांचवा फरमान ये दिया गया है कि सभी विभाग के मंत्री हर परिस्थिति में ईमानदारी से काम करेंगे। हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करना है और हर परिस्थिति में ईमानदारी से काम करना है। यह फरमान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। छठा जो फरमान है मुख्यमंत्री कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री का, वो यह है कि सभी लोग सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसका लगातार विकास को लेकर के जो काम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों को लगातार इस बात की जानकारी हो कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है। सरकारें बहुत देखी, लालू राज भी देखा, राबड़ी राज भी देखा, लेकिन तेजस्वी यादव राजद के उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का यह फरमान अपने आप में यह बताता है कि शायद पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पारदर्शिता ईमानदारी सभी मंत्रियों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुबालम कृषि श्री पटना।